ध्यान से देखें इस तस्वीर को। यह तस्वीर कोई आम नागरिक का नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की है। वही निकोला टेस्ला जिसके आविष्कारक से आज पूरी दुनिया जगमगा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज आप और हम घरों में टीवी रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों में सस्ती बिजली जला रहे हैं, ये निकोला टेस्ला की ही देन है। विद्युत बल्ब का आविष्कार तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन उस बल्ब को जलाने के लिए अल्टरनेटिव करंट एसी धारा की खोज निकोला टेस्ला ने ही की थी। महानतम वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपने समय से काफ़ी आगे की सोचते थे। 1887 ईस्वी में उन्होंने एसी से चलने वाली एक मोटर बनाया था। कहते हैं कि ये आविष्कार उस समय से काफ़ी आगे का था, इसलिए उस समय निकोला टेस्ला को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन बाद में पूरा संसार जान गया कि एसी मोटर की खोज निकोला टेस्ला ने ही की थी। निकोला टेस्ला एसी धारा को सबसे सुलभ धारा मानते थे क्योंकि इसे बहुत अधिक और लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था। दोस्तों, रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी के बजाय टेस्ला को ही माना जाता है, लेकिन 13 मार्च 1895 में इनकी लैब में आग लग गई थी जिसके कारण इनका पूरा प्रोजेक्ट जलकर ध्वस्त हो गया था। बहुत कम ही लोगों को पता है कि टेस्ला के मौत के बाद मार्कोनी के खोज को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दे दिया और रेडियो के आविष्कार का श्रेय निकोला टेस्ला को दे दिया। साल 1898 में टेस्ला ने रिमोट से चलने वाली एक अद्भुत नाव की खोज की। ये आविष्कार उस वक्त के हिसाब से इतना आगे का था कि लोगों को लगा कि टेस्ला कोई जानवर को प्रशिक्षण देकर उसे उस नाव में बैठा दिए हैं। लोगों को इस शक को दूर करने के लिए टेस्ला को नाव की पूरी तरह से पार्ट पुर्जे खोलने पड़े और उन्हें दिखाना पड़ा। दोस्तों, बात उस समय की है जब टेस्ला अपनी पढ़ाई पूरी करके काम की तलाश में निकले और कई जगहों पर काम भी किया। उसी दौरान उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ उनकी कंपनी में कार्य करने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने एडिसन के साथ मिलकर कई आविष्कारों में उनकी मदद की। इसी दौरान एडिसन ने टेस्ला को जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। उन्होंने टेस्ला से कहा, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हें $1000 देंगे। और जब टेस्ला ने दिन रात मेहनत करके इस कार्य को कर दिया तो एडिसन अपने वादे से मुकर गए। इस कारण एडिसन और टेस्ला के बीच मतभेद हो गया और टेस्ला ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। निकोला टेस्ला अपने जीवन में कई आविष्कार किए। इन्होंने टेस्ला क्वाइल्स, विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्सरे तकनीक, रेडियो, करंट जैसे महत्वपूर्ण खोजें की। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने जीवन के अंत दिनों में उनके कुछ प्रयोग असफल साबित हो गए जिस कारण से टेस्ला डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और अकेले ही रहने लगे। सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। दोस्तों, टेस्ला ने अपने जीवन काल में अनेकों खोज की, लेकिन इनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो और वैज्ञानिकों को मिली। ये थे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला।